पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी अधिकृत प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया, जहां बीजेपी कार्यालय पर हुई बैठकों के बाद तय हुए अधिकृत प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कराने कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का माहौल अब जिले भर में बनने लगा है, जहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले देर रात बीजेपी कार्यालय पर हुई बैठक के दौरान अधिकृत प्रत्याशियों का चयन किया गया, जहां ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों से अधिकृत प्रत्याशी सोमवार की सुबह बीजेपी कार्यालय से अपना अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, वरिष्ठ बीजेपी नेता मधु वर्मा, मनोज पटेल और चिंटू वर्मा मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती की माने तो 17 में से 13 स्थानों पर होने वाले जिला पंचायत के चुनावों के लिए सामंजस्य बनाकर 13 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिकृत हुए हैं। देखिए, पूरा सिस्टम व्यवस्थित है। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 13 स्थानों पर जिला पंचायत के चुनाव होने वाले और 13 ही प्रत्याशी, पूरा सामंजस्य बना करके 13 प्रत्याशी अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और सिंगल सिंगल नाम सभी वार्डों में से निकल के आए हैं। वरिष्ठ नेतृत्व ने, कोर कमेटी ने, सभी विधायक, हारे जीते विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष, माननीय सांसद जी सब ने बैठ करके एक बेहतर नाम निकालने की कोशिश की और एक अच्छे नामों की लिस्ट बन करके आई है। तो जिला पंचायत के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जिनको लड़ाना है पार्टी को, उनको अधिकृत कर दिया गया है। अभी सारे लोग एक साथ मिलकर के कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करवाने जाएंगे। दूसरा, जो 4 वार्ड बचे हैं जो ओबीसी आरक्षित हैं, उनको भी रिक्त छोड़ दिया गया है। इसी तरह जनपद का भी लगभग एक एक नाम तय हो करके जनपद के वार्डों के भी हमारे प्रत्याशी लगभग 25-25 जो वार्ड हमारे तीनों चारों तहसील में हैं, लगभग नाम तय हो चुके हैं। और रही पंचायत के सरपंचों की बात, तो जहाँ पर ओबीसी वाला ये झंझट है उसको छोड़ करके वहाँ पर भी पहली बार इस तरह की परिस्थिति बनी है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता पंचायतों में लड़ रहे हैं और पूरा उत्साह है और 100% एक आश्चर्यचकित कर देने वाला रिजल्ट हम इन पंचायत के चुनाव में देने वाले हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर की माने तो जिले में कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 4 ओबीसी आरक्षित सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण पेंडिंग किया है, बाकी सभी सीटों पर हम अपने अधिकृत प्रत्याशी उतार रहे हैं। इंदौर जिले में 17 सीटें हैं हमारी, जिसमें से 4 सीटें ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अभी इसको पेंडिंग किया है। बाकी शेष 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी उतार रही है। हमारे सभी प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस की ओर जा रहे हैं। रही बात तैयारियों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा जनता के बीच में रहने वाला और काम करने में विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता होता है। हर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही वर्किंग में है, काम कर रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से पूरी ऊर्जा के साथ, औस के साथ, उत्साह के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जैसा माननीय न्यायालय ने अभी आदेश दिया है, चुनाव आयोग ने, और ये जो निर्णय लिया है कि ओबीसी का भी जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनसे संबंधित जो सीटें हैं उसको पेंडिंग की जाती है, तो शेष बची हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर प्रत्याशियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। तैयारी हमारी पहले से है, लेकिन संगठन ने जो नाम हमारे को अधिकृत करे हैं वो आज करे हुए हैं। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और संगठन की ओर से पूरी तैयारी है हमारी, और सभी प्रत्याशी जितने भी तय हुए हैं वो एक साथ जिला कार्यालय से नामांकन दाखिल करने के लिए हम लोग जिला अध्यक्ष जी और मधु वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि रावलिया जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जीतू जराती जी, इनके नेतृत्व में हम 12 ही उम्मीदवार एक साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। मुद्दा विकास भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और उसी को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित हम विजयश्री हासिल करेंगे। इस दौरान अधिकृत प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।